हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। आज हम बात करेंगे मॉन्ट्रियल के उन 10 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जिनको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आ रही है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि सभी स्टूडेंट्स अपने जीसी की अकाउंट जरूर चेक करें, उनमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आई हुई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये रिक्वायरमेंट आई है, वो उन स्टूडेंट्स को आई है चाहे उन लोग स्टूडेंट्स ने सितंबर या मई 2020 इनटेक अप्लाई किया हुआ था, 2020 वाले स्टूडेंट्स चाहे उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस करी चाहे नहीं करी है, चाहे उन्होंने अपना डेफर करा है, उन सभी स्टूडेंट्स को ये रिक्वायरमेंट्स आई हैं। तो अब ये कनाडा क्यों मांग रहा है, तो इसके पीछे पर्पस ये है कि जहां तक लगता है कि वो ये देखना चाहते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स बोनाफाइड स्टूडेंट्स हैं। तो उनको बिल्कुल भी, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट कनाडा अब हमारी फाइल्स तो प्रोसेस कर रहा है, तो अब हमें ये देखना है कि हमें जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो हम पूरे परफेक्टली उन तक कैसे पहुंचाएं। तो इस बारे में मैं बताता हूं कि स्टूडेंट्स को सबसे पहले उन्होंने मांगा कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि आपने अपनी एसओपी में एक्सप्लेन करना है। अगर मान लीजिए आप ऑलरेडी आपने वहां पर कोर्सेज ऑनलाइन ज्वाइन करा है, तो आप उसकी डिटेल्स दीजिए कि हाँ जी मैंने अगर एक सेमेस्टर ज्वाइन कर लिया है या दो सेमेस्टर भी कंप्लीट कर लिए है, तो वो दोनों सेमेस्टर्स का भी आप डाल सकते हैं। साथ में उसकी ट्रांसक्रिप्ट जरूर लगाइएगा, और अगर आपने एनरोल कर लिया हुआ है ऑनलाइन क्लासेस में तो भी आप अपनी कॉलेज से एनरोलमेंट लेटर लेके जरूर लगाएं, ताकि उनको क्लियर हो कि आप बोनाफाइड स्टूडेंट हैं। तीसरे पे अगर आपने डेफर करा है तो डेफर एलो जरूर लगाएं, और उसमें आप जरूर एक्सप्लेन करें कि अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस नहीं ज्वाइन करी तो क्या इशू था, कि आपके यहाँ पर नेट का इशू था तो इसलिए, या जो भी आपका जेन्युइन रीजन है तो वो रीजंस मेंशन करिए कि आपकी नाइट क्लासेस थी तो इसलिए, जब यहाँ पर कनाडा में डे होता था तो यहाँ पर नाइट होती है तो आपको थोड़ा इनकन्वीनियंट था, या आपके नेट की, जैसे मैं बता चुका हूँ कि नेट की प्रॉब्लम थी, जो भी आपका जेन्युइन रीजन है वो आप जरूर एक्सप्लेन करिए, और उसके बाद अपनी डेफर एलओए जरूर लगाएं। अब दूसरा उन्होंने मांगा है कि आप फंड्स बताइए कि आपके पास, जो आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, और आपके पास कितने फंड्स अवेलेबल है। तो इसमें सबसे पहले आपने अपने पेरेंट्स का अगर ऑलरेडी एफिडेविट लगाया हुआ, सपोर्ट एफिडेविट, वो आप दोबारा से अपलोड कीजिए, नहीं लगाया हुआ तो दोबारा से जरूर लगाएं, नया बना के लगवा लें। अपने पेरेंट्स की इनकम टैक्स रिटर्न्स लगाएं, अगर उनके पास गवर्नमेंट एम्प्लॉई है फॉर्म 60 लगाइए, या जे फॉर्म और तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट लगाएं अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, और साथ में जो भी आपका इनकम प्रूफ अगर इन एडिशन टू दैट वो भी साथ में अटैच कर सकते हैं। प्लस अगर आपके पास कुछ FDRs हैं वो लगा सकते हैं, साथ में अगर आपके पास कोई PPF या GPF में अमाउंट पड़ी हुई है वो भी आप लगा सकते हैं, या आपके पास अगर आप नॉन SDS में भी लगाते हैं, जैसे कि हम CA रिपोर्ट है, वो भी आप टोटल वैल्यूएशन की वर्थ लगा सकते हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी इतनी वर्थ है। सेकेंडली आप ये भी एक्सप्लेन जरूर करें कि अगर आप मान लीजिए 6 मंथ या 1 ईयर पढ़ चुके हैं तो ऑलरेडी आपका GIC का पूरा वहां पर जमा है, और प्लस सेकेंड ईयर की फीस आपके पास है। अगर मान लो आपका बैंक अकाउंट में पिछले 6 मंथ में अच्छा बैलेंस चल रहा है तो 6 मंथ की स्टेटमेंट पूरी लगाएं, नहीं तो आप करंटली जितने आपके पास पैसे अगर फंड्स ज़्यादा हैं वही आप सिर्फ उसमें बैलेंस सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं कि आपका करंट इतना बैलेंस है वो लगा सकते हैं, बट बेटर अगर आपके पास 6 मंथ की स्टेटमेंट हो, प्लस जैसे मैंने बता दिया FDR वगैरह कुछ भी है अगर आपके पास तो वो जरूर लगाएं कि आपके पास सेकेंड ईयर के लिए ये आपकी वैल्यूएशन है कि आप उसमें आप पढ़ने के लिए आपके पास सफिशेंट फंड्स हैं सेकेंड ईयर के लिए भी। थर्ड, अगर उन्होंने सेकंड थर्ड यही पूछा है आपसे कि आपका एजेंट कौन सा है, तो वो अगर आपने फाइल किसी के एजेंट के थ्रू लगवाई है, अगर उन्होंने अपने पोर्टल से लगाई है तो वो एजेंट का नाम भरिए, नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि हमने डायरेक्टली फाइल लगाई है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने पैकेज करा हुआ है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। वो क्यों? क्योंकि वो यही देखना चाह रहे हैं कि जो पैकेज वाले केसेस हैं उनमें TT रिसीट्स हैं उनके पास के नहीं, GIC अगर उन्होंने अकाउंट में पैसे जमा करें हैं नहीं करें, या उनके पास फंड्स अवेलेबल है कि नहीं। आप अपना TT रिसीट्स और GIC का
सर्टिफिकेट्स जो आपको जीएससी का प्रूफ है, आपने जीएससी सबमिट कराया हुआ, वो जरूर अटैच करें साथ में, वो दोबारा से आपने अटैच करना है, ताकि आप हर तरह से यही लगे कि आप जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, तो आपका जो वीज़ा सक्सेस है वो अच्छी रहने की उम्मीद है। लेकिन पैकेज वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है कि इस बार जो पैकेज वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत बड़े पैमाने पर रिफ्यूज़ल आए, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसीलिए शायद कनाडा ने अपने आपके एजेंट्स का नाम भी साथ में पूछा है। तो वैसे जो मैं जितने भी डॉक्यूमेंट आपको लगाने चाहिए उन सबका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वो वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं थारोली कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने चाहिए। और फिर भी अगर आपकी कोई इंक्वायरी रह जाती तो आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करके आप हमारे से पूछ भी सकते हैं, या कोई भी अगर आप एडवाइस लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे से एडवाइस ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas. Visit us or call us for visa services. Follow us on our social handles for latest offers and updates.